Welcome you all in day three, session three. So this is all about ICT resources, new age learning skills, and e-governance. So this topic is somehow, looks theoretical. So we will try to understand its conceptual, phenomena. Its role in our day-to-day life and what kind of new age skills or 21st century skills at least we require to come up with the today's surroundings. So as well as we will try to understand, to share the concepts of e-governance, how e-governance is helpful for citizen, for us, for all of us, right? So this is our today's agenda. See, hum kya kya baat karne wale hain, hum baat karne wale hain ICT resources aur new age learning skills kya hain, e-content development kaise ho sakta hai, four quadrant model of e-content development, is par hum baat karne wale hain. E-file management पर हम बात करेंगे, how to manage your online records, best practices of file naming कैसे रखना चाहिए, then e-governance, types of interactions in e-governance and popular projects or schemes under e-governance. So let us start with this first topic, that is ICT resources. बेसिकली आईसीटी क्या चीज है, हम लोग बहुत बार यूज करते हैं. आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो इसको थोड़ा सा मैं इलाबोरेट करना चाहूंगा. नीड टू अंडरस्टैंड दिस आईसीटी इज नॉट ओनली अ टर्म, राइट. ये आईसीटी सिर्फ बोलने के लिए एक टर्म नहीं है, इसने पूरे वर्ल्ड में एक बदलाव ला दिया है, राइट. ये एक इट्स अ काइंड ऑफ लीडर. देखिए हम लोग बहुत फिजिकली, पता नहीं कहाँ कहाँ है सब लोग, आई डोंट नो फिजिकली हम लोग कहाँ हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी आर कनेक्टेड, सीम्स टू बी इन अ सेम प्लेस, सीम्स टू बी विद इन अ क्लासरूम, जस्ट वी आर एक्टिंग, आवर बिहेवियर जस्ट लाइक अ क्लासरूम. सो दिस आईसीटी इज अ रिसोर्स फॉर अस, राइट. सो दैट इज कॉल्ड आईसीटी रिसोर्सेज. यू नो रिसोर्सेज दोज आर लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, है ना. जैसे कंप्यूटर में रिसोर्स होता है, लाइक मेमोरी इज वन ऑफ द रिसोर्स विद इन द कंप्यूटर, यू नो प्रोसेसर इज वन ऑफ द रिसोर्स, द थिंग्स दोज आर लिमिटेड कॉल्ड रिसोर्स. सो आईसीटी रिसोर्सेज, सो क्या क्या ऐसे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं जिनको शायद हमें जानना चाहिए और हमें उनका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, राइट. आपने किसी को हीरे का या सोने का चप्पल पहन कर घूमते हुए शायद ही देखा होगा. इट्स मेरे नोन में तो नहीं है कोई भी ऐसा, मुझे कोई ऐसा वाकया भी नहीं है. सो मैं व्हाट आई वांट टू से मींस दोज आर लिमिटेड, हम जो चीजें सीमित हैं हम उनको रिसोर्स कहते हैं, और जब कोई चीज एज ए रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल है तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, अगर हम ये बात नहीं जानते हैं तो शायद हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए रिसोर्स क्या है. टाइम इज वन ऑफ द रिसोर्स, टाइम इज वेरी लिमिटेड, टाइम इज वेरी लिमिटेड. आपने मम्मी पापा को, अपने घर में बड़ों को ये कहते भी सुना, बेटा टाइम बर्बाद मत करो, बहुत बार घर में ये डायलॉग बोला जाता है, तुम अपना समय खराब मत करो. कई बार आप किससे उलझ रहे होते हैं तो कहते हैं मेरा समय खराब मत करो, बड़े गुस्से से. तो समय खराब करने का मीन्स क्या है, आप उसके समय को मिसयूज कर रहे हैं, राइट. और कभी यार कभी हम भी बातचीत में कहते हैं ना, मैंने अपना बहुत समय गंवा दिया है, मैंने अपना बहुत समय खराब कर दिया है. तो टाइम इज ए कॉमन, टाइम खराब अच्छा बुरा थोड़ी होता है, मीन्स हमने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया. सो इन द सेम सीक्वेंस देयर आर आई मेंशन सम ऑफ द रिसोर्सेज, स्पेशली आई एम टेलिंग अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रेफरेंस टू आईसीटी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनकी समझ हमें होनी चाहिए. मैंने बहुत कॉमन से शुरुआत किया है, हमें कंप्यूटर हैंडलिंग करना आना चाहिए, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, डिजिटल कैमराज, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें आती भी हैं, प्रिंटर आपको कनेक्ट करना, प्रिंट निकालना, ये कॉमन चीजें हैं, फोटोकॉपियर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो यू टू नो हाउ टू यूटिलाइज इट्स फंक्शंस.
टैबलेट्स हम लोग यूज करते हैं, स्मार्टफोन हम यूज करते हैं। हाँ एक और चीज, स्मार्टफोन हम सिर्फ उतना ही यूज करते हैं जितने से हम बात कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। एक मैंने सर्वे पढ़ रहा था, किसी ने एक एक काइंड ऑफ रिसर्च आर्टिकल था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई उसको पढ़ के, बड़ा अच्छा भी लगा, तो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। उसने लिखा था कि हम अपने स्मार्टफोन की, उसने कुछ लोगों पर सर्वे किया था, उसने कहा था कि ओनली 5 to 6% लोग ऐसे हैं जो अपने स्मार्टफोन के मोर देन उसकी रेंज थी, मतलब 100% फंक्शंस कौन यूज करता है, उसमें तो कोई था ही नहीं, 92 अबव 80 था, 80 to 100%। अगर आपके स्मार्टफोन में सपोज 100 फंक्शंस हैं, तो उन 100 के 100 फंक्शंस को कौन यूज कर पाया आज तक। उसका स्लैब था 80 to 90 था, 60 to 80 था, 40 to 50 था, ऐसे ऐसे करके नीचे को 10 10 के रेंज में थे, अपर आफ्टर 50 दैट वाज इन द रेंज ऑफ 20 गैप, 20 20 के रेंज में थे। मुझे हैरानी हुई कि पहले तो 80 से ऊपर कोई नहीं पहुंच पाया, जो 60 से 80% का रेशियो था कि स्मार्टफोन के सारे फीचर्स सारे फंक्शंस कौन यूज करता है, ओनली 4 to 5% पीपल, राइट। जो मेजोरिटी ऑफ लोग थे वो 50 से नीचे थे, मतलब जो बड़ी संख्या थी, बड़ा परसेंटेज था। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, इन इन रेफरेंस टू आईसीटी रिसोर्सेज, स्मार्टफोन तो हम सबके पास है, मेरे पास भी है, और मैंने उस जो है उस आर्टिकल को पढ़ा, मैंने तो सबसे पहले अपना परसेप्शन किया, मैंने कहा ये बात मेरे पर भी फिट बैठती है क्या? ऑब्वियसली फिट बैठती है, हमें तो दो ही दो चार कॉमन फंक्शन, फोन लगाना, मैसेज पढ़ना, व्हाट्सएप करना, वो देखना, दो चार बातें आती, दैट्स ऑल, उसके अलावा नहीं आता ना। तो रिसोर्स को इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड्स आप शायद जानते भी होंगे, स्मार्ट बोर्ड जस्ट लाइक स्मार्टफोन, यू मे टच, यू मे राइट, यू मे चेंज द स्क्रीन, द प्रीवियस स्क्रीन डेटा विल बी स्टोर्ड इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट, दैट इज स्प्रेड शीट इज अनदर रिसोर्स काइंड ऑफ। हम स्प्रेड शीट को पॉपुलरली हम एमएस एक्सेल के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, देर आर अदर टूल्स ऑल्सो, प्रेजेंटेशन टूल्स हमें आने चाहिए। ब्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक और बात आगे इसमें बात करेंगे कि जो ब्लॉगिंग है और जो डेटा कॉपिंग है, आर हैबिट्स आर जस्ट लाइक कॉपियर मशीन, फोटो कॉपियर मशीन, इस पर हम बात करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स पर। और आईसीटी रिसोर्सेज में इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स हमारे पास जरूर होने चाहिए, हमें जो मिनिमम बेसिक स्तर है वो जरूर आना चाहिए। एनिमेशन के बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन भी हैं, और डॉक्टर जलाल ने तो मुझे लगता है कि मल्टीमीडिया से रिलेटेड दो टूल की आज भी चर्चा करी थी, और आप लोग मुझे बहुत प्रसन्न दिखाई दिया, आई डोंट नो वो रियल हैप्पीनेस था और आर्टिफिशियल था, आई थिंक दैट वाज रियल, मुझे ऐसा लगता है। ई पब्लिशिंग प्रोग्राम्स, पहले आप कुछ लिखते थे, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ है, आपने कविताएं लिखी, आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई बुक लिखा, सो इट्स वेरी हार्डर टू मेक इट टू स्प्रेड इन पब्लिक, क्योंकि आपके पास उतना फंड नहीं होता था उसको प्रिंट करा के लोगों तक पहुंचाने के लिए। नाउ वर्ल्ड इज योर्स, पूरी दुनिया आपकी है, आपके पास ऐसी क्वालिटी है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी क्वालिटी को देखें, समझें, जानें, तो आपके पास आईसीटी एक ऐसा माध्यम है जो आपको रातों रात राजा बना सकता है। आपने एक नाम देखा होगा, रानू मंडल या रेनू मंडल, पता नहीं क्या था, आपने देखा? मुझे बहुत अच्छे से मतलब याद नहीं है, मैं टच में नहीं रानू रहता हूँ, यू मे करेक्ट मी कि वो कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म से रातों रात सिंगर बन गए आपने, कैन यू एनीवन कैन करेक्ट मी, क्या आप मुझे सही कर मंडल, सकते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, अरे देर, वेस्ट बंगाल या ऐसा कुछ था ना, कोई सिंगर है जिसको रेलवे स्टेशन हाँ पर कोई समवन गॉट सलमान खान या पता नहीं किसने कुछ कहा था, और फिर वो उनके उसमें जो है गाना गाने लगे, कुछ मैं आपको साझा कर रहा हूँ। सो दैट इज द पॉपुलरिटी ऑफ देयर टूल्स, दैट सच काइंड ऑफ टूल्स, आपके पास स्किल है, तो हम इन इन टूल्स को, जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स का, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की स्किल के बाद हमने एनिमेशन के टूल्स की बात करी, मैंने ई पब्लिशिंग प्रोग्राम्स की बात करी, मैं अब बात कर रहा हूँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा अभी डॉक्टर साहब ने बात किया था उडमी का, ऐसे ही आपने देखा होगा अन अकेडमी है ना, ऐसे ही बहुत सारे बायजूज है और ग्रेड अप है और पता नहीं कितने सारे हैं, बहुत सारे, और जो है आज
ई सर्विसेज एजुकेशन के रूप में देते हैं, तो पता है ये कैसे दे पा रहे हैं? इनके पास अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है. यू मे ऑल्सो स्टार्ट, देर आर टू मेनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दो आर फ्री ऑफ कॉस्ट. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका ताना बाना बुन दिया गया है. देर आर टू काइंड ऑफ LMS इसको बोलते हैं, दो तरीके का LMS है. वन इज पेड, राइट, उसमें आप तभी आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी जब आप उस पर पैसा खर्च करेंगे. अदर्स जो दूसरी कैटेगरी है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको हम ओपन सोर्स कहते हैं. ठीक है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक तरीके से आप कैसे ऑनलाइन में लोगों को क्लासेस देंगे, लेक्चर कैसे शेड्यूल करेंगे, इसका एक प्रॉपर प्लान्ड वे में एक स्ट्रक्चर करने का एक माध्यम है. उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का भी अपना एक LMS है, आप हमारी साइट पर जाएंगे, उसमें ऑनलाइन लर्निंग समथिंग करके एक लिंक है, स्टूडेंट हेल्प डेस्क में आपको मिल जाएगा. सो दैट इज द LMS ऑफ UOU हल्द्वानी. सो ऐसे ही और जो ICT रिसोर्सेज हैं, पॉडकास्ट, अगर आप बोलने में यू नो फ्लुएंसी रखते हैं इन एनी लैंग्वेज, सो दिस इज अ न्यू करियर प्रोस्पेक्ट्स फॉर यू. अगर मैं गाड़ी चलाते हुए यू नो वीडियो देखूंगा तो आपको पता है कि ये संभव नहीं है. मैं गाड़ी चलाना और वीडियो देखना एक साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम गाड़ी चलाते हुए गाना तो सुन सकते हैं. जब मैं गाना सुन सकता हूँ तो मैं और तरह के पॉडकास्ट भी सुन सकता हूँ. यू नो पॉडकास्ट इज काइंड ऑफ ऑडियो फाइल, बिकॉज यू पीपल बिलोंग्स टू, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स बिलोंग्स टू यू नो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड. सो अगर हम शहर में, जैसे जो लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं, मैंने देखा है कि वहाँ अमूमन लोग FM बहुत सुनते हैं, राइट? तो FM पर बीच बीच में वो एड भी आते रहते हैं, पता है वो रेडियो स्टेशन वाले बहुत सारा पैसा लेते हैं उस एड का. तो क्या फायदा है उसका, लोग सुन रहे हैं, ये फायदा है. सो हम अपने डिजिटल डिपॉजिटरी बना के हम पॉडकास्ट भी तैयार कर सकते हैं. आप अपने कल्चर का पॉडकास्ट बना सकते हैं, आप पुरानी कहावतें जो किस्से आपके घर गांव में चलते हैं उसका पॉडकास्ट बना सकते हैं. सो ये कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स का भी एक बड़ा पार्ट है, राइट? सो वेब 2.0 एंड वेब 3.0 एक बड़ा विषय है. मैं संक्षिप्त रूप में इस टर्म को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो हमारा इंटरनेट का जो डेवलपमेंट रहा है वो धीरे धीरे करके हम लोग टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड हुए हैं. अर्लियर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द प्लेटफॉर्म्स, द हार्डवेयर वर नॉट सो सपोर्टिव. इतना सब कुछ एक्सेसिबिलिटी, इतना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ऐसे समझते हैं कि हमारे पास आज की दुनिया में बहुत सारे टूल्स बने बनाए हैं, हमें उनको सिर्फ इस्तेमाल करना सीखना है. अर्लियर ऐसा नहीं था. सो ये भी अपने आप में एक रिसोर्स है, किसी ने हमारे लिए इतनी सारी चीजें बना के रखी हुई है. देखिए, वर्चुअल मीटिंग इज अनदर काइंड ऑफ ICT रिसोर्स. अगर मुझे ये नहीं आता कि कैसे इसको एडजस्ट किया जाता है, कन्फिगर किया जाता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, सो आई थिंक हम नहीं जुड़ पाते इससे. रिपोजिटरीज की मैंने आपसे बात करी, हम घर में रिपोजिटरी हमारे पास होती है, कपड़े रखने का अलग स्थान है, गहने रखने का अलग है, कुछ और महत्वपूर्ण सामान है उसको रखने का अलग स्थान है, किचन के सामान रखने का अलग स्थान है. सो नाउ द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, देयर आर डिजिटल रिपोजिटरीज, दोज आर एक्सेसिबल फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड, वी कैन सी, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. इमेजेस का लोगों के पास यू नो अभी आपने देखा होगा, हमारे नजदीक के हैं जो लोग लोकल के हैं, हमारे अनूप शाह जी हैं, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. ही इज बेसिकली फोटोग्राफर, वो फोटोज बहुत अच्छी लेते हैं, एक से एक, बहुत उनके अंदर एक पैशन है. सो वो कहाँ है, लोगों को कैसे पता लगा, वो खींच के अपने कैमरे में रख लेते. तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ICT रिसोर्सेज का जो वर्ड है वो कितना पावरफुल है, वो कहाँ से कहाँ तक जर्नी तय कर सकता है, नोबडी नोज. आजकल चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इंफोग्राफिक्स की बाढ़ आ गई है. सो दिस काइंड ऑफ यू नो मटेरियल डेवलपमेंट टेक्निक्स, आपको बहुत कम चीजों में बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, थोड़े से में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. उसमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि आप न चाहते हुए उसको ग्रास्प करते हैं. कई बार टेलीविजन में आपने ऐड देखा होगा, या कई बार आपने अखबार में ऐड देखा होगा, या आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं उसके नीचे कुछ चल रहा होता है, कुछ एक एक, एक, एक इमेज है, तो आप न चाह रहे हैं कि मैं ऐड देखूं, लेकिन देयर इज यू नो कैचिंग पावर, उसके पास ताकत है, उसके पास कॉम्बिनेशन है इंफॉर्मेशन का, आपको देखने को मजबूर कर देता है. सो मैंने कुछ ICT रिसोर्सेज को मेंशन करने की कोशिश की. ICT रिसोर्सेज सिर्फ इतने ही नहीं, और बहुत सारे हो सकते हैं. माय इंटेंट इज टू से वी टू नो हाउ टू यूज सच ICT रिसोर्सेज. हर एक ICT रिसोर्स अपने आप में
बहुत कुछ समेटे हुए है। बात जो है वो ये कि हम उसमें से अपने लिए क्या लाभ ले सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो पार्ट है दैट इज अबाउट न्यू एज स्किल्स। सो हम न्यू एज स्किल्स को 21st century स्किल्स भी कहते हैं या डिजिटल एज स्किल्स भी कहते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द न्यू एज स्किल्स, राइट। सो कहीं कहीं हम लोग अभी भी स्ट्रगल जो कर रहे हैं, आप लोग हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, सो इसका जो बेसिक इंटेंट है दैट इज नॉलेज डेवलपमेंट। हम चाहे नॉलेज डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम चाहे मजबूरी में जुड़े हैं, मेरा ये पेपर पास हो जाएगा इसलिए मैं जुड़ा हूँ, ये कोर्स करना है कंप्लीट, वरना सर वहाँ से बहुत डांट रहे हैं, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दिया कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सच में कर ही दिया तो क्या होगा। सो दीज आर द थिंग्स, बेसिक थिंग इज दैट आर नीड इज नॉलेज डेवलपमेंट। सो नॉलेज इन्वॉल्व्स टू कंपोनेंट्स, नॉलेज में दो बातें बहुत जरूरी है, राइट। वन इज इंटरलिंक्ड कंटेंट, आपने कुछ आज पढ़ा, कुछ कल पढ़ा, कुछ परसों पढ़ा, कुछ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, कुछ हमने क्लास टू में पढ़ा, थ्री में पढ़ा, आपने देखा ना हमारा जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं कि जो कक्षा आठ में पढ़ा वो नाइन्थ में किसी काम नहीं आया, उसके बेस पर ही मैंने नाइन्थ में बहुत सारी चीजें डेवलप की, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट, नॉलेज इन्वॉल्व्स टू कंपोनेंट, द सेकेंड पार्ट वन इज नॉलेज, नॉलेज वन in one component, in one perspective, content is important. Another is skill. So knowledge development में, knowledge में दो चीजों का बड़ा रोल है, content and skill, right? Content क्या हो सकता है, जैसे आपका कुछ fact है, कुछ ideas है, कुछ theories है, कुछ evidence है, कुछ description of processes है, कुछ processes, कुछ procedures है, कुछ methods है, these are called content, right? और generally जो हमारा content है उसका जो जो टीचर है, जो उसका सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर है, वो उस कंटेंट में उसका अच्छा कमांड होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तब जाके वो हमें कोई चीज पढ़ा पाता है। अगर कोई मुझसे कहे सर आप फिजिक्स पढ़ा दो, फिजिक्स का ये वाला लॉ पढ़ा दो, मैं फिजिक्स आती नहीं तो हाउ कैन आई, गॉट माय पॉइंट। सो कंटेंट का जो डिलीवरर है, जो डिलीवर करने वाला है, हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच नॉलेज, तभी हमें लगता है कि यार इसको ही पता है, हम उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें बताता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। बट ये बात सिर्फ कंटेंट तक की, जब कंटेंट से हम आगे बढ़ते हैं तब हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्किल। हम उस कंटेंट को यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हैं। मुझे आते तो बहुत है, मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। तो क्या ऐसे कंटेंट की कोई उपयोगिता है, कोई यूटिलाइजेशन है? आई थिंक आपका जवाब भी होगा नहीं सर, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। कई बार हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर जो कंटेंट, सर मुझे आता तो बहुत है लेकिन जब कोई सवाल पूछता है हम नहीं बता पाते हैं, हमें पता नहीं होता, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। सो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि कहीं कहीं आपकी स्किल में कमी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है लेकिन वो लोगों को ये बता ही नहीं पाते कि आई नो दिस। Meanwhile, जब उनसे इस बात की इंक्वायरी की जाती है, पूछा जाता है, सो तब हमारी बात, हमारा जो जो बात का इंटेंट है वो जाता है न्यू एज स्किल्स की तरफ, कि न्यू एज स्किल्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं, हमें क्या क्या ऐसी बातें हैं। देर आर टू मैनी स्किल्स इन 21st century, दिस इज ऑल्सो नोन एज 21st century स्किल्स। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वट आर द न्यू एज स्किल्स। हमारे को आज हम 21st century में जी रहे हैं, मिनिमम क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आनी ही आनी चाहिए। वन ऑफ देम इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो आपने एक धन जीत लिया, आपकी ताकत है ये। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पुअर है तो आप न चाहते हुए लोगों से दुश्मनी मोल ले लेंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं कब कहां पर कैसे व्यवहार करना है, कब चुप रहना है, कब बात करनी है, कब कमेंट करना है, कब नहीं करना है। सो बेसिकली ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, मैंने कुछ एलाबोरेट करने की कोशिश करी है। फर्स्ट इज रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, एक पार्ट, ये तो हम समझते ही समझते हैं, एज वेल एज दिस इज नॉट लिमिटेड टुवर्ड्स रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये अब आगे बढ़ के सोशल मीडिया कम्युनिकेशन स्किल तक पहुंच गया है, आज की बात कर रहा हूँ, 21st century स्किल्स में बात कर रहे हैं हम। न्यू एज लर्निंग स्किल्स ऑल्सो कॉल्ड 21st century स्किल्स। आज आज के स्किल्स में मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन,
आना बहुत जरूरी है. सच स्किल्स एंड एबिलिटीज आर यूजफुल टू क्रिएट. ये जो स्किल्स हैं इनसे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है. शॉर्ट यूट्यूब वीडियोज आप बना सकते हैं, ये भी आपकी क्वालिटी का एक पार्ट. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. अर्लियर कम्युनिकेशन स्किल वॉर लिमिटेड टिल क्लासरूम टिल आर रेगुलर डे इन डे आउट लाइफ. नाउ द कम्युनिकेशन स्किल रीज्ड अप टू सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन, हाउ टू पिच योर सेल्स, एबिलिटी टू रीच आउट थ्रू इंटरनेट. ये आपकी ताकत है. आप कभी यूट्यूब पे विजिट कीजिएगा. मैं तो काफी समय से इन सब चीजों से जुड़ा रहा हूँ. सो आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 साल पहले 4 साल पहले जिस यूट्यूब के चैनल में करीबन 100-200-400 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, आप इंटरनेट की ताकत समझिए, उसके अच्छे पक्ष को देखिए, आज उसमें जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो लाखों पार कर गई है. मैं किसी एक चैनल की बात कर रहा हूँ, उसको मैं काफ़ी लंबे समय से फॉलो करता था. सो 3 या 4 साल पुरानी बात है कि ही वॉज अ यंग IITian बंदा है. उसने अपना चैनल स्टार्ट किया और उसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी पढ़ाने की. ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई आदमी वीडियो में पढ़ा रहा है. सो वो सवाल जवाब भी पूछते हैं और बहुत ही मतलब रिलक्टेंट माहौल में. आप जनरली हम जब वीडियो में पढ़ते हैं तो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से पढ़ते हैं, बड़ा ऑफिशियल तरीके से पढ़ते हैं. सो द स्टाइल वॉज वेरी कम्फर्टेबल, कोजी जोन काइंड ऑफ. आप आराम से बैठ के सुन सकते हैं, वो सवाल भी पूछ देंगे, देखो मैंने ये बताया तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा ना. तो लोगों ने धीरे धीरे उसको पसंद करना शुरू किया. मैं आज देखता हूँ कि उनके जो चैनल की जो संख्या है सब्सक्राइबर्स की वो कई लाख 7 या 8 लाख पार कर दी. ये 2 या 3 साल की बात पता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है. 2018-19 में आई थिंक ध्यान में देखता हूँ उसको. सो हमें इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक कैसे रीच आउट करना है, ये भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है. 21st सेंचुरी के कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है. हाउ टू रिसीव एंड इनकॉर्पोरेट फीडबैक ऑफ अदर्स. लोग अगर हमारे बारे में कुछ राय बनाते हैं, हम उसको रिसीव करें और उसको जितना हमें लगता है कि वी शुड इनकॉर्पोरेट, वी शुड एंड शेयर इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली. बहुत जरूरी चीज जो है कि हम लोग, मैंने कोविड के दौरान भी देखा, इवन आप लोगों ने भी गौर किया होगा, हमने र्यूमर बहुत ज्यादा फैलाते हैं. किसी ने मुझसे कुछ कहा, उसे मैंने कुछ एड ऑन करके दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, और तीसरे ने उसमें एक इन्फॉर्मेशन थ्योरी भी, वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन जब मोर देन 3 हैंड पास कर जाती है तो वो उसका एक्चुअल जो था वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. राइट. सो इन्फॉर्मेशन जब भी आप शेयर करें उसको आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली उसको चेंज ना करें. दैट शुड बी न्यूट्रल. राइट. आईटी का जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में फैला है, उसका एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि जब आईटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, ऐसा माना जाता है कि वो न्यूट्रल होगी. उसमें मैं अपने अकॉर्डिंगली अपना टेस्ट फिट नहीं कर पाऊंगा. राइट. एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड आइडियाज. ये मैंने एक पार्ट बताया, दिस इज वन ऑफ द पार्ट विच इज कवर्ड अंडर कम्युनिकेशन स्किल्स इन 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स. आज लर्निंग स्किल्स में जो मैंने एक चीज बताई, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या क्या हमारे साथ होना चाहिए, हमें क्या क्या गुण कम से कम होने चाहिए. सेकेंड पार्ट इज एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है. आज हम इतने क्या कह सकते हैं उसको, क्योर्स हैं या इस तरह के एनवायरमेंट से घिरे हुए हैं चारों तरफ से. मुझे याद आता है कि हमारा जो बचपन था वो गाँव में भी था, तो वहाँ टाइम ही टाइम होता था. अभी भी कभी हम घर वापस जाते हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ भी दिन 24 घंटे का है. लाइफ इज वेरी स्लो दियर एंड. और मैं यही बात अपने मित्रों से करता हूँ जो दिल्ली में रहते हैं या जो मुंबई में रहते हैं या जो पुणे में रहते हैं या जो बैंगलोर में रहते हैं. वो कहते सर हमारे यहाँ दिन ना 10 ही घंटे का होता है, आपके हल्द्वानी में होता होगा 24 घंटे का. और जो लोग बाहर से हैं, मेट्रो सिटी से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, am I right? मेट्रो सिटी से जो लोग जुड़े हैं और भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ ये बात? एब्सोल्युटली सर. Is it correct? Yes, Is sir. It correct? Yes, sir. मैंने क्या कहा आपने सुना? You may write in chat box too, obviously. So
क्या है ऐसा, है ना? आज हम इतने फ्री नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट? सो हमें ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी हमें तैयार करनी होगी. अगर हम नया नहीं सीखेंगे, सो इट इज वेरी हार्डर टू फाइट विथ क्राउड. हम भीड़ के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कहीं भी फिट हो जाए. मतलब बात यह नहीं है कि आप नौकरी पाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए नॉलेज गेन करें. आपको एग्जिस्टेंस के लिए नॉलेज गेन करना है, और नॉलेज गेन करने के लिए आपको लर्निंग की कैपेबिलिटी, लर्निंग की जो कैपेसिटी है, उसको हमेशा जिंदा रखना होगा. चाहे आप रोज का एक आर्टिकल पढ़ जो आपको अच्छा लगता है, आप ये देख लें कि अच्छा खाना कैसे बनाता है, आप ये देख लें कि आजकल कौन सा मोबाइल फोन ज्यादा बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, आप ये देख लें कि पिछले 2 सालों में मोबाइल फोन में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं. वॉट एवर यू टू लर्न समथिंग, और लर्न ऐसा करना है जो आपके काम आए, जो आप प्राथमिकताओं की लिस्ट में बहुत अच्छा हो. मेरे को ओलंपिक में जाना नहीं है, मैंने ये देखा कि मैं अच्छा धावक कैसे बन सकता हूँ, दोनों मेरी टांगें टूट गई. सो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की लर्निंग का आपके इंडिविजुअल लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है. आप लर्निंग उसको करें जिससे आप और बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं औरों के सामने. हाँ, ऑब्वियसली आपको कहीं पर यू नो जनरल नॉलेज का कॉम्पिटिशन लड़ने जाना है, उसमें प्रतिभाग करना है, सो वहाँ के लिए आपको बहुत सारी बातें चाहिए. उसको ये भी चाहिए कि पिछला ओलंपिक में गोल्ड मेडल रेस में 200 मीटर रेस में कौन जीता था, 500 मीटर में कौन जीता था, उससे पहले वाले में कौन जीता था. माय इंटेंट इज टू से टू डेवलप द एबिलिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली एज वेल टू डेवलप द हैबिट टू फाइंड आउट योर प्रायोरिटीज. आप अपनी प्राथमिकताओं का भी निर्धारण करें, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है. टाइम तो ऐसा है नहीं कि आप बस सीखते रहो, क्योंकि आप तो बहुत मुश्किल से बमुश्किल अपने लिए स्पेसिफिक समय निकाल पाएंगे लर्निंग के लिए. अदरवाइज द नॉलेज बेस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ऐसा नहीं कि जो मैंने 10 साल पहले सीखा था आज वही है. मैंने 2005-06 में या 2005 में या 2006 में एमएस वर्ड का 2003 वाला वर्जन सीखा था, तो मैं वही सीख के आज तक बैठा हूँ. तो मैं अब तो 2003 एमएस वर्ड वर्जन मुझे कहीं दिखेगा ही नहीं. हाउ विल आई डू द वर्क, मैं किसी कोई लेटर टाइप करना है, मुझे तो मिलेंगे नहीं, उसमें तो सब मेन्यू में ऑप्शन होते थे. सो मेरा कहने का आशय है कि हम ये बात मान के नहीं चल सकते थे, चल सकते हैं जो हमने 2 साल पहले सीखा था वो हमारे पास आज भी वैसा का वैसा ही है. नॉलेज बेस जो हमारा स्टोरेज है, जो ट्रेंड है, वो लगातार चेंज हो रहा है. नेक्स्ट, लर्निंग अबाउट न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. चीजें कितनी जल्दी बदल रही हैं. आपका जो छोटा बच्चा है घर में, वो आप उसको किसने ट्रेनिंग नहीं दी फोन कैसे चलाते हैं, लेकिन आप इसको टेस्ट करके देखिएगा. बहुत छोटा बच्चा, वो 2-4 बात आपको अंदाज करते हुए देख के वो आपका फोन खोल के यूट्यूब चलाना और वीडियो बजाना सीख गया होगा. और हो सकता है उसकी उम्र 2 साल से भी कम रही होगी. अब जब थोड़ा पढ़ने लिखने वाला हो जाएगा तो वो हमसे और फास्टर हो जाएगा, और ज्यादा चीजें उन्हें यू नो हैंडल करने आ जाएंगी. सो इंडिपेंडेंट लर्न करने की हैबिट में बनानी है, ऐसा 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं. मतलब ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यक्ति 21st सेंचुरी में जी रहा है, उसको ये सब बातें आनी चाहिए अगर वो चाहता है कि उसका जीवन आसान बने. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं इसके साथ. हम आप खुद भी इस बात को देखिएगा, जब तक आप किसी पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है उसका लंबे समय तक जी पाना. चाहे वो इंडिविजुअल बिहेवियर की बात हो, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड की बात हो, आपको एथिक्स के साथ रहना पड़ेगा. आपको थोड़ा घाटा हो जाए चलेगा, आपको वैल्यूज को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा. हम बहुत लंबे समय तक शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकते. दिस इज नॉट द वे. लगता है कई बार कि हमने शॉर्टकट एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके, वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके बहुत कुछ गेन कर लिया है. और मुझे लगता है कि हमारे चारों तरफ इस तरह का माहौल है कि जो लोग एथिक्स और अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं. बट हमें इस बात को फॉलो नहीं करना चाहिए. कई बार हम लोग बहुत परेशान होते हैं. मैं व्यक्तिगत भी बात करूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है कई बार. और लेकिन हम सब कोशिश करें कि हम जो 21st लर्निंग स्किल्स की बात हो रही है, दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें जिम्मेदारी से, हमें एथिक्स और वैल्यूज का रेस्पेक्ट करते हुए जीवन में आगे बढ़ना. थर्ड पार्ट इज टीम वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम टीम वर्क और फ्लेक्सिबिलिटी के आदि नहीं है,
तो आपका जीवन बहुत कठिन है, हर जीवन के हर पहलू में। दिस इज नॉट ओनली अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, हम सिर्फ जो लेक्चर दे रहे हैं वो आपके वर्क कल्चर या प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं है, दिस इज अबाउट योर डे इन डे आउट लाइफ, आपके 24/7 की बात हो रही है। आप अपने घर में भी जाते हैं, आपने देखा होगा घर में किसी से बनती नहीं है, ऐसा क्यों? कभी सोचने का विषय है क्यों नहीं बनती है? तो आपने जीवन में दो चीजें नहीं सीखी। मैं आपको एक बहुत मूल मंत्र बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आप जीवन में बेहतर करें, अच्छा सीखें, आप अच्छा सीखें, तो पता है आपको बहुत जरूरी चीज क्या है? आपको बहुत जरूरी चीज यह है कि आपको आपको दो चीजें ध्यान रखनी होंगी, क्या? एक झुकना और दूसरा झुकाना। एग्रीड? जिस व्यक्ति को जीवन में दो बातें आती हैं, क्या? झुकना और झुकाना, उसका जीवन सबसे आसान। आप हमेशा सीना तान के रहोगे, नहीं भाई मैं किसी सामने नहीं झुकूंगा, ये आपकी स्किल की लैकनेस है। Am I right? मैं सही कह रहा हूं? अगर आप yes, अगर आप झुक सकते हैं, ये आपकी महानता है। दिस इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी, दिस इज ऑल अबाउट योर स्किल्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई साहब हर बार आप झुके रहो, कोई कुछ भी कहे, देखो ना मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। आपने बहुत बार किसी को डांटते हुए सुना होगा, गधा कहेगा, सुना है ना? बहुत बार डांटते हैं ना, गुस्से में जवाब देते, गधा है जी सर। क्या गधा होना अपराध है? नहीं भाई, गधा जो वर्ड है, मैं थोड़ा सा लिटरेचर में भी इंटरेस्ट रखता हूं, वो सीधेपन का एग्जाम्पल है, उसे कुछ भी कह दो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। सो माय इंटेंट इज टू से, अगर आप टीम में काम करना चाहते हैं, आपके वर्क कल्चर की बात हो रही है, आपकी स्किल की बात हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कब मुझे झुक जाना है, आपको ये पता होना चाहिए कब मुझे नहीं झुकना है। So, ये घर में भी आप अप्लाई करें, अपने घर में भी अप्लाई करें, अपने वर्क कल्चर में भी अप्लाई करें, तभी आप टीम वर्क में काम कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे हमेशा आपका बॉसी नेचर रहेगा, तो कभी क्या होगा, जब जब तक दूसरा बॉसी नेचर का आदमी नहीं है तब तक तो चल जाएगी, जो ही दूसरा भी सेम पर्सनैलिटी का आपसे मिल गया तो समझ लो काम तमाम हो गया, फिर तो फुटबॉल हो जाएगी। सो वी नीड टू ट्राई लर्न एंड अनलर्न। Means, flexibility कैसे पता लगेगी? Learn and unlearn. कैसे लोग पूछ सकते हैं, सर ये इसका क्या मतलब, एक बार सीखो भी भूल जाओ? No, this is not. Learn का मतलब है आप सीखें, नई नई चीजें सीखें। Unlearn का मतलब है अगर आपको ऐसा लगता है कि इसी का अपडेटेड वर्जन आ गया, तो यू मे ट्राई टू लर्न न्यू अपडेटेड वर्जन एंड अनलर्न, भूल जाओ द सेम वर्जन, द प्रीवियस वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। सच एज मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मैंने एमएस वर्ड की मैंने बात करी थी, मैंने 2013 का वर्जन सीखा एमएस वर्ड का, और मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, लगातार कॉल बज रहा है बहुत देर से, जरा इसको क्या बात कर रहे थे, लर्न एंड अनलर्न। मैंने अगर नया वर्जन अगर मुझे सीखना है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इसके नए वर्जन की जो जो फीचर्स हैं वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये मान के चलूंगा कि नहीं मेरा जो पुराना वाला वर्जन मैंने सीखा है वही बहुत बेहतर है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, मेरा आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। जब भी किसी प्रोडक्ट का नया वर्जन आता है, वी मे ट्राई टू लर्न। आप इस भरोसे में न रहें कि इसका पुराना वाला तो मुझे बहुत अच्छी याद है, मैं नहीं सीख रहा इसको। सो दैट इज कॉल्ड लर्न एंड अनलर्न। हम नई चीज तब सीख पाएंगे जब हम उसी के पुराने फ्लेवर को अनलर्न करेंगे। अनदर वन, टीम वर्क। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम टीम वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े गोल अचीव नहीं कर सकते। इंडिविजुअल आदमी बड़ा गोल अचीव करेगा, इसमें बहुत शक है। द नेक्स्ट वन इज थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इस बात को समझना होगा कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल यू नो मीडियम्स हो सकते हैं। हम लोग प्रोग्रामिंग जब बात करते हैं,
तो प्रोग्रामिंग में एक बड़ा अच्छा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि आप किसी गिवन प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेहतर है। सो थिंकिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप सोचना शुरू नहीं करेंगे हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो दिस इज वेरी टफ टू अचीव योर गोल। सो 21st सेंचुरी स्किल का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हम चीजों को सोचने की आदत आदत बनाए। हम कैसे किसी चीज के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान है हमारे पास। अगर हमसे प्लान ए सफल नहीं हो पाता है तो हम दूसरा पार्ट क्या करेंगे। हमारी क्रिएटिव जो आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे वर्क कल्चर में, हमारे लाइफ में, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज डिजिटल स्किल्स, राइट। तो डिजिटल स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल रखता है आज के समय में। आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का, डिजिटल चीजों का इस्तेमाल नहीं है। इन ईच एंड एवरीवेयर, हर किसी सेक्टर में आप डिजिटल स्किल सेट की जरूरत है। होटल्स में देखिए, इंडस्ट्रीज में देखिए, एजुकेशन में देखिए, ठीक है। जहां आप नजर डालेंगे आपको हर जगह डिजिटल स्किल्स की डिमांड मिलेगी। तो कई सारे लोग जो यंग जनरेशन है जिनको ये लगता है कि इसको बाईपास करके भी जीवन में बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, मैं आप उन तरह के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि नहीं, इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते, हम एवरेज तक पहुंच सकते हैं। सो कॉमन डिजिटल स्किल्स हमारी तभी इंक्रीज होंगी जब हम एक मिनिमम डिजिटल सेट डिजिटल स्किल्स को एक्सेप्ट करेंगे और ट्राई टू लर्न देम, राइट। आप देखिए, मोस्ट नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज आर हेवीली डिपेंड ऑन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कंपनीज में भी देखिए, आपने देखा था कुछ दिनों पहले, करीबन 2-3, मुझे लगता है 1 साल तक होंगे, 2-3 महीने ज्यादा हो गया, चेन्नई में एक रेस्टोरेंट खुला था। उसमें जो सर्व करने वाले लोग थे दे वर रोबोट्स। डू यू हर्ड इट, आपने सुना ये बात? आप जब नो रेस्टोरेंट सर, नहीं सुना? नहीं सर, अभी तक नहीं सुनी थी ये बात। मैं सुना रहा हूं, एक 1.5 साल पुरानी खबर सुना रहा हूं आपको। चेन्नई में समय ऐसे एक्सपेरिमेंट और जगह होते रहते होंगे, विद इन आर कंट्री आई एम टेलिंग टू यू। सो बड़ा सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। सो जनरली हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटेल्स में जाते हैं, तो हमारे पास एक जो है उसका सर्विस बॉय आता है, पूछता है सर आपको क्या चाहिए। सो द सेम हैपन इन चेन्नई समवेयर, मुझे नाम याद नहीं, आप ढूंढेंगे तो कहीं नेट पे मिल भी जाएगा, वो डाला होगा जरूर, उस पर आर्टिकल भी छपा था, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी शायद उसका एक आर्टिकल किसने दिया था, बहुत जगह उसका न्यूज़पेपर आया, बहुत बार आया ऐसा। सो मेरा इस एग्जाम्पल को बताने का उद्देश्य क्या था कि हम डिजिटल स्किल्स हमारे डिमांडिंग स्किल्स है, हमें डिजिटल स्किल्स का अंदाज होना बहुत जरूरी है। अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना, हम मिनिमम अपडेट मिनिमम स्किल सेट के साथ बढ़ सकते हैं आगे। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, ट्राई टू लर्न, राइट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें एक ही दिन में आ जाएगा, टाइम लेता है। सो जो लास्ट पार्ट है किसका, न्यू एज लर्निंग स्किल्स का। व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, आई थिंक आपको भी अंदाज लग रहा होगा कि ये सारी बातें एक कॉमन मैन में जो आज अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है या यंग एज में जी रहा है, उसको इन सब बातों का कुछ कुछ अंदाज होना, कुछ कुछ स्किल्स होना बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट इज कॉल्ड नॉलेज मैनेजमेंट। आपको बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन आपका नॉलेज आपका साथ नहीं देता, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो ऑर्गेनाइज है ही नहीं। जब जरूरत पड़ती है तब आप सब भूल जाते हैं, मैं बहुत अच्छा सेफ हूँ बाय द वे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब मैं कुकिंग करता हूँ मुझे, मैं भूल जाता हूँ नमक कितना डालना था, कब डालना था, और पानी कब डालना था, ऑयल कब डालना था, गैस कब, कितनी जलानी थी, आई यूज टू फॉरगेट एट दैट टाइम। सो क्या ऐसे नॉलेज का कोई रोल है? नहीं है, ऐसे नॉलेज का कोई रोल नहीं है। जो नॉलेज आपको जरूरत के वक्त काम ना आए, दिस इज परहैप्स द मोस्ट ओवर आर्काइन ऑफ ऑल स्किल्स। जो नॉलेज मैनेजमेंट है वो सुपर बात है इन इन कंपैरिजन टू अदर सच स्किल्स।
अब दूसरी बात, नॉलेज इज रैपिडली चेंजिंग, नॉलेज लगातार चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि इतने न्यू सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं कि हमें क्या रखें क्या भूल जाएं. आज ही दिन में देखो, सुबह से 3 लेक्चर हो गए फॉर एग्जाम्पल, और 3 लेक्चर में कितनी सारी बातें आपके साथ साझा हो गई. सो क्या किसी एक आदमी के लिए संभव है कि सब सारी बातें लॉन्ग टाइम तक रख पाएगा, याद रख पाएगा? नहीं. कोई किसी को कुछ याद रहेगा, किसी को कुछ याद रहेगा. और ऐसा भी संभव नहीं है कि हर कोई व्यक्ति अभी शाम को 4 बजे लेक्चर खत्म होते सब भूल जाएगा. दिस नॉट पॉसिबल, नेवर. दिस द क्वालिटी ऑफ अस द ह्यूमन बीइंग. इसलिए अभी तक ह्यूमन को मशीन बीट नहीं कर पाया. ह्यूमन का जो नॉलेज मैनेजमेंट है, अगर उसको थोड़ा सा और एनहेंस किया जाए, आपका कंप्यूटर कहीं कुछ मायने नहीं रखता. आपको जानकर ये हैरानी होगी, दिस इज एज पर द रिसर्च ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि तकरीबन एक कॉमन आदमी एक दिन में 200 से 300 GB डेटा इनपुट लेता है. आपको आश्चर्य हुआ नहीं हुआ? आपका फोन अब तो मेरे ख्याल से 100 GB तक आ भी रहेंगे, वरना अर्लियर फोन तो 18, 16, 15, 12, 26 समथिंग 32 GB, 16 GB समथिंग ऐसे स्टोरेज में आते थे, बगैर एक्स्ट्रा के लिए चिप लगा लो. सो अगर ये फोन होता तो ये तो 2-3 घंटे में भर गया होता सुबह से, अगर 5 बजे से 6 बजे से आपकी दिनचर्या शुरू होती है. सो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो दिन भर में कितना डेटा इनपुट करते हैं, और उस इनपुट अच्छा उसका 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 यू नो प्रमाण यह है कि अगर आप 20 साल बाद भी कहीं जाएंगे, यार मैं ना ऐसा लग रहा है यहाँ पहले कभी आया था, ये तो मुझे देखा हुआ जैसा लग रहा है, पहले कभी आपसे मैं कभी पहले मिला हूँ क्या? समटाइम्स दैट हैपेंस, यस और नो? फिर आप जब उससे बातचीत करते हैं तो फिर आप, अरे अच्छा वहां मिला था मैं आपसे, अरे बहुत टाइम हो गया तब से. तो इसका मतलब यह है कि 20 साल पुराना डेटा भी आपके डेटाबेस में स्टोर है. अगर हम उस डेटाबेस को और नरिश करें और बेहतर करें, हमने नॉलेज को और प्रॉपर मैनेज करें, सो यू मे थिंक कि हम अच्छा नॉलेज मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें उन स्किल्स की जरूरत है जो न्यू एज लर्निंग स्किल्स में आते हैं. हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून. प्लीज बताइए. सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर, हम स्किल्स पे तो सर फोकस कर लेते हैं, पर फिर सर प्रोफेशनल वर्ल्ड में सर एक बात आती है कि स्किल्स तो हमने सीख लिया, तो जहाँ पे हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने की बात आती है, वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि तुमने अर्निंग नहीं सीखी, अर्निंग कैसे करनी है? क्योंकि सर स्किल्स तो लोगों को आती है, पर जहाँ अर्निंग की बात आती है वहाँ पे अटक जाते हैं बंदे. तो मेन मुद्दा मेरा यही है कि हम ऐसा क्या करें कि स्किल के साथ हमें, क्योंकि तो हमें सर स्कूल में भी ये नहीं सिखाया जाता है कि अर्निंग कैसे करनी है, कॉलेज में भी हमने ग्रेजुएशन करी उसमें भी ये नहीं सिखाया जाता, बस ये सिखाया जाता है कि आपने बस ये सिलेबस है इसको रट लो और पास हो जाओ, बस ये नहीं सिखाया जाता है कि आगे कैसे काम करना है, आगे कैसे अर्निंग होगी, कैसे तुम्हें आगे बेनिफिट मिलेगा इस चीज का. बस आजकल के टाइम पे सब यही लगे हुए हैं कि ये रट लो और पास हो जाओ. ये रट लो और पास हो जाओ, एग्जैक्ट. मैं सर बस यही चाहता हूँ कि मेरे को स्किल के साथ साथ ये भी थोड़ा पता लगे कि अर्निंग कैसे होती है, मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है इसके थ्रू कैसे अर्निंग हो सकती है, किस तरीके से हम इसको यूज करके आगे ग्रो कर सकते हैं. मैंने जो चीज अभी बताई आपने मेरी बात ध्यान से सुनी? हाँ जी सर, आपने ये बताया अच्छे से बताया कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट नॉलेज अपग्रेड करना है डे टू डे हमें. तो जब हमारे पास स्किल्स होंगी तो स्किल एक ऐसी चीज है जिसकी लोगों को डिमांड होती है. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा. आपको घर बनाना है, राइट? घर बनाने के लिए आपको एक मिस्त्री चाहिए जो बिल्कुल आपके डिजाइनर ने एक डिजाइन बना रखा है, उस डिजाइन में घर तैयार कर दे. तो आप जब मार्केट में ढूंढने जाएंगे ना, जहां मिस्त्री मिलते हैं, जहां लोग रहते हैं, और आप उसको दिखाएंगे कि ये वाले डिजाइन का घर बनाना है मुझे, राइट? हाँ जी. आपके घोड़े खुल जाएंगे, आपको आदमी नहीं मिलेगा. अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपको यकीन ना हो तो टेस्ट कर लीजिए एक दिन. घर बनाने वाले तो मिल जाएंगे जो ईटा लगा सकता है, 4 दीवार खड़ी कर सकता है, लेकिन आप कोई थोड़ा सा हार्डर टाइप का डिजाइन जो है उसको लेके जाए और कहें सर ये बना दीजिए,
चलो अब अगर मिल भी गया, पहले तो मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है, पीपल हैविंग काइंड ऑफ स्किल्स। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्या नाम है आपका? यश, यस 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 राज हो आप, राइट? हाँ जी, यस राज जी, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप इसको अदर सेक्टर में अप्लाई करेंगे उसके बाद से, राइट? सो ओके राइट, पहले तो आपको मिलेगा ही नहीं, अगर मिल गया ऐसा आदमी जो आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग घर तैयार कर सकता है, वो कहेगा सर मैं कर सकता हूँ। अगर कॉमन जो मिस्त्री है उसका 1000 रुपीज पर डे का अगर चार्ज है, ये आपको 2000 रुपये बोलेगा, मुझे 2000 का चार्ज है एक दिन का, करेक्ट? तो अगर आप चाहते हैं कि जैसा डिजाइन आपके हाथ में ऐसे ही डिजाइन का घर बने, तो आपको इसको 2000 रुपीज का चार्ज पर डे दे करके घर लाना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? व्हाट वर देयर, देयर वर ओनली स्किल्स। सो हम इतनी सारी जो बातचीत कर रहे हैं यश भाई, इसका इंटेंट यह है कि हम अपने कौशल को कैसे बढ़ाएं। ये मैं तो नहीं जान सकता कि यशराज क्या स्किल बहुत अच्छी कर सकता है, इट्स नॉट इन माई डोमेन, एम आई राइट? यस सर, पर मुझे पता होता कि आप जो है मिस्त्री बहुत अच्छे बन सकते हो, या आप गाड़ी के इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हो, या आप जो है एक चार्टर अकाउंटेंट बहुत अच्छे बन सकते हो, आपको अकाउंट मैनेज करने की बहुत अच्छी समझ है, या आप प्रोफाइल मैनेजर होता है एक शेयर मार्केट में जहां पर आपके शेयर लगते हैं, फंड मैनेजर भी या प्रोफाइल मैनेजर कहते हैं उसको, वो एक दिन में हो सकता है 50 लाख भी कमाता होगा। वो ये तय करता है कि सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करने के बाद, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड, और फिर उस फंड को कौन से शेयर खरीदे जाएं जो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सकते हैं। सो आर इंटेंट इज टू से डेवलप स्किल्स, फर्स्ट डेवलप योर स्किल्स, अर्निंग इज नॉट अ वे। अर्निंग करना कोई ऐसा बहुत मुद्दे का विषय नहीं है, विषय है कि हमें किसी चीज की कितनी गहन जानकारी है। आप अगर अभी बात हो रही थी, हमारे एक मित्र हैं वो यूएस में है, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप भेजा हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ टेक्नोलॉजीज के उसमें नाम लिखे हैं, इनमें काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा, हम उसको आर्ली बेस पर भी पेमेंट करेंगे, और आर्ली बेस का पेमेंट आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उनका मिनिमम जो आर्ली है 25,000 पर आर के हिसाब से, यहाँ की रुपीज में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो, सर इज नॉट विजिबल, इज ही? नो इज नॉट, सेशन इज ओवर। नो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू एट हिज एंड। ओके, ओके, बिकॉज़ द स्क्रीन इज आल्सो नॉट विजिबल। मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से, मुझे पता नहीं लगा। हेलो, सुन पा रहे हैं? सर कुछ मेरे ख्याल से इंटरनेट से डिसकनेक्ट हुआ, डोंट नो जो भी रहा। तो यस भाई, अगर हम स्किल की बात करें, हम स्किल गेन करने की बात करें, तो फिर ये विषय छोटे हो जाते हैं कि हम अर्निंग कैसे करेंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्निंग करना, बेसिक अर्निंग एक रिसोर्स है,
we always require money, हमें हमेशा पैसे की आवश्यकता रहती है, लेकिन बहुत बड़ा विषय यह है कि अर्निंग के अलावा जब हम ये ध्यान दें कि हम अर्निंग कैसे करें, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल साझा करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैंने आपको रियल एग्जाम्पल बताया, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, और जो मिला उसने जो कहा मुझे देना पड़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्किल। हम अपना स्किल अगर तैयार करेंगे और वो स्किल किसी एक चीज में आप प्रोफिशिएंसी लाने की कोशिश करें, उस पर मास्टरी लाने की कोशिश करें। मैं आपको एक एक स्पोकन इंग्लिश का एक यू नो चैनल है, दैट इज आकाश समथिंग लर्नेक्स कुछ नाम है उसका, उसको देखिएगा। वो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि मैं ना एक छोटे से 2000 रुपए के कमरे में किराए में कमरा लेकर के लोगों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता था कि इंग्लिश कैसे बोलें। Just check LearnX in your YouTube channel after completion of this lecture. So you will understand the role of skills in everyone's life, in your life, in someone else's life. ठीक है? I think मुझे लगता है कि आपको मैं जवाब दे पाया हूँगा, आपको शायद आपका सवाल मैं सही से हैंडल कर पाया। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब आज का अगला हम फेज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ई कंटेंट। आपने बात की थी, मैं थोड़ा उसी एंगल में आगे बढ़ूंगा कि हम अर्निंग कैसे करें। आप ई कंटेंट डेवलपमेंट में चले जाइए, आपका तैयार किया हुआ कंटेंट लाखों करोड़ों रुपए आपको दे सकता है। आप सिर्फ अर्निंग की अगर बात करते हैं, हम नंबर ऑफ वेबसाइट्स, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ 2006 और 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। ये वेबसाइट मुश्किल से 25-30 पेज की वेबसाइट थी, दैट नेम इज ट्यूटोरियल्स पॉइंट। मुश्किल से 50 पेज होंगे मैक्सिमम। कितने लोग ट्यूटोरियल्स पॉइंट की वेबसाइट के नाम पहले से सुने हैं? सर मैंने सुना है सर। क्या आप लोगों ने? कौन है आप? यशराज। और किसने सुना है? नहीं, श्रेया ने भी कहा मैंने सुना है। सुना है ना? पता है आज वो उसका जो टर्नओवर है वो मोर देन 100 करोड़ पर ईयर है, क्योंकि उसका आईपीओ आ गया है। आईपीओ उन्हीं कंपनीज, आईपीओ मींस जब किसी कंपनी का फर्स्ट टाइम शेयर जो है मार्केट में आता है, शेयर बाजार में लिस्टेड होती है। तो मैंने करीबन इस पिछले वाले लॉकडाउन के दौरान न्यूज में कहीं देखा कि उसका आईपीओ मार्केट में आ गया है। सो आप समझ सकते हैं कि एक एक वेबसाइट, अमूमन वेबसाइट तो कोई भी बना लेता है, वो इन 5-7 सालों में, 10 साल समझ लो, 12 साल समझ लो, 15 साल समझ लो, क्या उसका बिजनेस इतना तेजी से ग्रो कर सकता है? ये क्या है? मैं आपको ऐसे कई सारे नाम बता सकता हूं, एन नंबर ऑफ वेब पोर्टल्स। सो दैट आई सेड आईसीटी रिसोर्सेज इज़न्ट करेक्ट। में चमत्कार कर दिया तो हमारे भी कर सकते हैं ना। सो हमें उस लायक बनना पड़ेगा। दैट इज ई कंटेंट डेवलपमेंट। क्या है ई कंटेंट? ई कंटेंट कैन बी डिफाइंड एज ए डिजिटल कंटेंट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको लोग पढ़ सकें, जिससे कुछ सीख सकते हैं, जिससे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा सकता है, ये डेफिनेशन है विकिपीडिया की, उसको हम ई कंटेंट कह सकते हैं। विद द रैपिड डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इट हैज बिकम मोर यूजर फ्रेंडली। आज के समय में जो ई कंटेंट है वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और शेयरेबल है और मल्टीपल डिवाइसेस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैं कहूँ कि आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में एक पावरफुल टूल उभर कर आया है, दैट इज ई कंटेंट। और स्पेशली आफ्टर और कैन से ड्यूरिंग द पैंडमिक। सो ई कंटेंट क्या क्या इंक्लूड कर सकता है? दैट इज टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो और द कॉम्बिनेशन ऑफ सच कंपोनेंट्स। ये उसकी कैपेबिलिटी है। अब दूसरी बात आती है कि जब हम ई कंटेंट डेवलपमेंट करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो क्या होना चाहिए? द ई कंटेंट डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड जो मॉडल है, ई कंटेंट डेवलपमेंट इज अ एरिया where we can say you know a huge amount of possibilities in for the career prospects
अगर हम करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपकी गुणवत्ता पर, आपके स्किल पर निर्भर कर सकता है कि आप उसमें क्या बेहतर दे सकते हैं। That depends. मुझे एक ऐप ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे आएगा तो बताऊंगा। That is स्टोरी टेलिंग ऐप है, क्या नाम है उसका, I forget. आप देखिएगा, लाखों की संख्या में उसमें पॉडकास्ट पड़े हुए हैं। That is a kind of e-content. किसने सोचा बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने इवन अभी कुछ समय पहले इंस्टॉल भी किया था उसको, क्योंकि वो मेरे मोबाइल में थोड़ा सा हैवी हो रहा था, पॉडकास्ट भारी थे वो। सो मैं बताऊंगा, अगर मुझे भी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। सो बात आ रही थी कि ई कंटेंट हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। हाँ, किंडल टेलीफोन से एक और है, एक तो है और सर ऑडिबल, कुछ और नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ क्या नाम है उसका करके। किंडल से अलावा कुछ है वो, चलो देखते हैं, बात करते हैं। सो जो हमारा ई कंटेंट डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड मॉडल है, जैसे इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट मॉडल। पहला क्वाड्रेंट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है, जब आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं, ऑनलाइन कंटेंट डिलीवर करने की बात करते हैं, तो आपके पास डिटेल्ड इनरेस्ड राइट अप होना चाहिए, जिसपे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ अपने ऑडियंस को आप सेटिस्फाई कर सकें कि व्हाटएवर जो आप जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं वो डिटेल में उसका इंटेंट क्या है, राइट। सो हमने लिखा हुआ है कि द टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन शुड आल्सो बी इनरिच्ड विथ मल्टीमीडिया सप्लीमेंट्स। आप अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, चूंकि हम फेस टू फेस तो इसमें कर नहीं रहे, दैट इज ऑनलाइन कंटेंट की बात हम कर रहे हैं, तो जहां पर भी आपको मल्टीमीडिया कंटेंट लगता है डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इमेज का हो, चाहे इंफोग्राफिक्स हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे वीडियो, व्हाटएवर यू मे, राइट। अगला जो पार्ट है कंटेंट, हमने क्या कहा क्वाड्रेंट वन, जो क्वाड्रेंट टू है दैट इज सेल्फ लर्निंग। तो जब भी ई कंटेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे, फोर क्वाड्रेंट मॉडल मैंने आपको साझा किया, क्वाड्रेंट वन ई टेक्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग का जो बेसिक मोटो है कि आप कोई चीज देखें और उससे सीख जाएं। सो मैं समझता हूं कि वीडियो ट्यूटोरियल इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हम इसको कह सकते हैं, या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री विथ एनिमेटेड फिल्म जिसको हम कह सकते हैं। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट टू को फुलफिल कर सकते हैं, दैट इज सेल्फ लर्निंग, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है दैट इज यू नो सजेस्टेड रीडिंग जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, मोर रीडिंग, वेब रिसोर्सेज, तो इसके लिए हमारे पास वेबसाइट्स का हम सारा ले सकते हैं, ऑनलाइन जो अदर रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, या ऑनलाइन जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के जो टूल्स हैं, या ऐसे बुक्स जो फ्रीली अवेलेबल हैं, इनका हम जो है लिंक साझा कर सकते हैं। So, ये जो पार्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट मॉडल का, मैंने थर्ड पार्ट आपसे साझा किया। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट और इवेल्युएशन, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर फोर। तो अगर हम ई कंटेंट डेवलपमेंट जब भी करना चाह रहे हैं, तो हमें अपना जो कंटेंट है वो इन चार माध्यमों को जोड़ के बनाना चाहिए, तो जिसमें आप फोर्थ क्वाड्रेंट आप कुछ असेसमेंट भी अपने लर्नर्स का कर पाए विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ क्वेश्चन, और मैच द विद द फॉलोइंग काइंड ऑफ, जो भी आप असेस कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें रिजल्ट आप ऑटोमेटिक कोशिश करें ऑटोमेटिकली गेन हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दैट इज ई फाइल मैनेजमेंट। तो ये हमारे आज का मुझे लगता है कि सेकेंड लास्ट टॉपिक होना चाहिए। ई फाइल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मैं इंडिविजुअल मशीन की भी बात अगर करूं, सो हम अपने जो भी फाइल्स बनाते हैं वो कहाँ रखा है, उसका नाम क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो रखा है कहीं, पड़ा हुआ है, और कोई मतलब नहीं बनता कि क्या मेरा एक बार यूज किया हुआ ये सेकेंड टाइम पर भी मैं यूज कर पाऊंगा। सो मैं मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना जो फाइल मैनेजमेंट है, चाहे वो लोकल मशीन पर हो, चाहे वो ईमेल पर हो, चाहे वो ऑफिस पर हो, उसको बहुत
ध्यान रख के संभालने की जरूरत है। सो हम कैसे अपने डेटा को, अपने फाइल्स को, अपना इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मैनेज कर पाएंगे, ऐसा कुछ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो पहला बात है कि हम फाइल का नेमिंग पर बहुत ध्यान रखें, ठीक है। हमने लिखा हुआ है कि फाइल नेमिंग रूल्स कैसे होने चाहिए। मैं अपने कोलिग्स को भी देखता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ, हमें बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रहता कि हम अपनी फाइल का जो नाम रख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, जो मर्जी उसमें टाइप कर दो। और कई बार तो हमें यही पता नहीं होता जो फाइल सेव कर लिया है कहीं वो कौन सी लोकेशन पर सेव है और किस नाम से सेव है। बाई डिफॉल्ट जो पहला अक्षर या पहला स्टेटमेंट होता है उसको सेव कर लेता है, ले लेता है। सो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है फाइल नेमिंग में क्या क्या आप रख सकते हैं। कोशिश करें स्पेशल सिंबल अपना फाइल नेम में ना रखें, हैं, और एक पैटर्न स्टोर करने की कोशिश करें। आपने एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, आपने कोई एजेंडा तरह की फाइल रखी है तो एजेंडा फाइल आप कई बार बना सकते हैं। 2006 कुछ उसने डेट फॉर्मेट लिखा हुआ है, देखिए दिस और नॉट दिस करके लिखा हुआ है। तो उससे हमें क्या फायदा होगा, जब आप अपनी फाइल्स को ढूंढेंगे, एजेंडा तरह की फाइल को ढूंढेंगे तो कह रहे हैं कि मैंने डेट फॉर्मेट में, जरूरी नहीं है कि आप डेट फॉर्मेट में स्टोर करें, बाय द वे एग्जांपल के लिए बात की जा रही है। सो आप एजेंडा फाइल ढूंढेंगे या मिनट्स फाइल ढूंढेंगे, सो आपको मिनट्स की फाइल एक साथ, अगर 10 बार आपने मिनट्स किए होंगे, मीटिंग के मिनट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, सो यू विल गेट दीज फाइल्स एट वन चांस। सो दूसरा, अगर आप इनपे फाइल का नेम रखते समय उसका नेम प्रॉपर आइडेंटिफिकेबल नेम नहीं रखेंगे या कोई उनका सीक्वेंस नहीं रखेंगे या अकॉर्डिंगली, मैंने ऊपर लिखा हुआ था, आपने अगर गौर किया होगा था कि जब भी हम अपने डेटा को कैटेगराइज करें कोशिश करें आइदर अकॉर्डिंग इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया टाइप और पर्पज ऑफ डेटा और एक्सेट्रा, जो भी आपका अपने अकॉर्डिंगली आप कोई नोटेशन बनाना चाहते हैं तो आप कैसे भी अकॉर्डिंगली नोटेशन बना सकते हैं। तो आपने कहा मुझे इवेंट के अकॉर्डिंग अपना डेटा स्टोर करना, फाइल से स्टोर करनी है, तो जो आपके यहाँ के मेजर इवेंट्स हैं आप ऐसे रख लीजिए। आपने ईयर वाइज डेटा रखना है, 2010 का डेटा ये है, 11 का ये है, 12 का ये है, सो आपको कुछ न कुछ फॉर्मुलेट करना पड़ेगा ताकि आप इस ह्यूज डेटा में से जो डेटा आप चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी ढूंढ पाए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा की उपयोगिता तभी है जब आप उसको समय रहते इजीली सर्च कर पाते हैं, अदरवाइज उसकी उपयोगिता निल हो जाती है, राइट। फिर ये कह रहा है कि नेमिंग रूल्स ऑफ फाइल्स, पहले हमने बात कर दी, अगला पार्ट कैसा होना चाहिए, देखो बता रहा है कि अगर, बाय द वे जो आपने नीचे लिखा हुआ है आपको मैं साझा भी करूंगा, आपको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं क्योंकि समय कम है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो उसने एजेंडा मिनट्स दोनों तरह लिखे हुए हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि इधर जो है एक प्रॉपर डेट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जब आप अपने कंप्यूटर पर सर्च करते हैं तो आपसे पूछता है सर्च कैसे करना है, फाइल का साइज पूछता है या डेट के अकॉर्डिंग पूछता है। सो अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके ये सब चीजें लिखेंगे तो आपका जो मशीन है आपके डेटा को एक्यूरेटली और कम से कम टाइम में सर्च करके ला सकता है, अदरवाइज आप सर्च क्वेरी पर अपना फाइल नहीं ढूंढ पाएंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि आपका डेट जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज तरीके का होना चाहिए जब भी आप अपना फाइल मैनेजमेंट करें, ठीक है। अगला पूछ रहा है कि आपको डिस्क्रिप्टिव तो रखना चाहिए लेकिन इतना बड़ा भी डिस्क्रिप्टिव फाइल का नाम ना रखें कि जिसको आप ढूंढ ना पाए, राइट। सो उसने दिखाने की कोशिश कर रखी है, एक जगह आपने लिखा एडवर्टाइजिंग ड्राफ्ट, एक जगह आपने लिखा एडवर्टाइजिंग फाइनल, तो उसी की जगह वो कह रहा है कि आपने इसको पब्लिसिटी के फोल्डर में सेव करके रखा है। पहले वाले में लिखा ड्राफ्ट एडवर्टाइजिंग, दूसरे में लिखा ड्राफ्ट बजट रिपोर्ट, फिर लिखा फाइनल एडवर्टाइजिंग। सो क्या हो रहा है, दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, आप एडवर्टाइजिंग अगर ढूंढेंगे तो एडवर्टाइजिंग आपने जैसे उसमें वाइल्ड कार्ड सर्च करने का भी होता है, जैसे आपने पहला कोई वर्ड दे दिया, आपने कहा मेरा जो फाइल है वो एडवर्टाइजिंग से शुरू होने वाले हैं, सो लास्ट में कैसे खत्म होगा आई कांट से, तो वाइल्ड कार्ड सर्च इसको हम कहते हैं जब हम अपने मशीन्स में ढूंढते हैं। सो आपको एडवर्टाइजिंग नाम से जितनी भी फाइल्स होंगी एक साथ निकल आएंगी, आइदर वो ड्राफ्ट हो और वो फाइनल हो। सो ये कुछ टिप्स हैं जिससे हम अपने मशीन पर, अपने इवन ईमेल पर अपने डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, अपने गूगल ड्राइव पर भी हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। हमें इन सब बातों को हैंड्स ऑन, मतलब बेसिक जब भी हम इस्तेमाल करते हैं चीजों को उस समय पर जरूर याद रखना चाहिए। अगर हम ऐसे प्रैक्टिस में लाएंगे मुझे लगता है कि ये यूजफुल स्किल की श्रेणी में आता है,
ठीक है। सो कुछ चीजें मैंने बताने की कोशिश करी है कि जब बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात आती है कि जब आप फाइल नेमिंग करते हैं या फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रैक्टिस में लाएं, क्या क्या वो फाइल का जो नाम हो वो संभव हो। डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग शेयरिंग एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ई फाइल्स, जहां कहीं पर भी आप रखते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट, ये वर्ल्ड कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको दोबारा तैयार करने पड़ते हैं। आपने आज एक पूरी फाइल तैयार करी, बहुत जगह से हार्ड कॉपी से डेटा इकट्ठा करा, प्रॉपर आपने एक डेटाबेस बनाया, कल वो फाइल आपसे खो गई क्योंकि आपको पता ही नहीं था मैंने सेव कहाँ करा, तो आपको फिर से ये सब काम दोबारा करना पड़ेगा। बड़ा दुखदायी लगता है जब ऐसा होता है, और आपने सेव तो करी लेकिन आपको मिल ही नहीं पा रही मैंने कहाँ सेव करी, क्योंकि आपको फाइल का नाम भी नहीं पता, तो आप फाइल ढूंढने में भी असमर्थ हो रहे हैं। ये तब होता है जब आप बहुत सारे डेटा स्टोर आपकी मशीन पर होता है। सो ये टिप्स हैं जिससे आप अपना फाइल, अपना डेटा, अपने फोल्डर प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। फिर ये कहता है कि डेवलप योर ओन नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, कैसे होने चाहिए, बेस्ड ऑन एलिमेंट्स दैट आर इंपोर्टेंट टू योर प्रोजेक्ट टास्क एक्सेट्रा। जैसे आपको ठीक लगता है आप अपने नेमिंग कन्वेंशन बना सकते हैं, ठीक है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जॉब करते हैं, हम 3-4 ऑर्गेनाइजेशन बदल दिए, अब आप आपके पास पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन के 50 नंबर 60 नंबर मोबाइल नंबर से हैं, अगले ऑर्गेनाइजेशन के भी, कई बार क्या होता है नाम क्लैश कर जाते हैं, तो फिर आप रखते हैं अमित फ्रॉम ABC ऑर्गेनाइजेशन, अमित वो वाला अमित है, अमित 2 फ्रॉम XYZ ऑर्गेनाइजेशन। सो हम जब मोबाइल में याद रखने के लिए कन्वेंशन बना सकते हैं, व्हाई नॉट फॉर स्टोरिंग डेटा इन मशीन्स इन कंप्यूटर ऑल्सो, वी शुड ट्राई, राइट। फिर ये कहता है कि फाइल शुड बी नेम्ड कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं हो कि आज कुछ अलग तरीके से आपने नेमिंग कन्वेंशन बनाया, कल के दिन अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया। सो इससे क्या होगा कि आपके जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से नेमिंग कन्वेंशन में स्टोर होगा, तो आप खुद ही कंफ्यूज कर जाएंगे। फिर कह रहा है कि जो फाइल का जो डिस्क्रिप्टिव नेम है, ट्राई करें कि इतना बड़ा भी ना रखें कि वो 40 कैरेक्टर से बड़ा हो जाए। द नेम ऑफ योर फाइल शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट ट्राई टू डू लेस देन 40 कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर कहता है कि अवॉइड स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, फाइल के नेम के बीच में स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश है, एट द रेट है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, दीज आर कॉल्ड स्पेशल सिंबल्स, इनको यूज ना करें, इनको कोशिश करें कि अपने प्रयोग में ना लाएं, राइट। यूज कैपिटल एंड अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ पीरियड्स एंड और स्पेस, जहाँ पर आपको डॉट लगाना है, स्पेस लगाना है या स्लैश लगाना है, उसकी जगह पर आप कैपिटल लेटर से शुरू करें। जैसे मैंने फाइल का नाम लिखना है CV, अब मैं चाह रहा हूँ CV किसका है, अमित का CV है, तो मैं लिखूंगा CV कैपिटल में अंडरस्कोर अमित, तो मुझे पता लग जाएगा CV है किसका है, अमित का है। दिस इज माई नेमिंग कन्वेंशन। सो यू मे ऑल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ नेमिंग कन्वेंशन। इसने लिखा है यूज डेट फॉर्मेट, कह रहा है ISO का स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट है YYMMDD, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो इंक्लूड वर्जन नंबर, राइट। मैंने कह रहा है अगर आप फाइल वर्जन, आपके आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने तो बहुत आर्टिकल पब्लिश कर दिए, इसका पहला ऑथर कौन था, सपोज पहला ऑथर उस आर्टिकल का जी दत्त है, तो एट ऑल इसका मतलब है ये बहुत सारे ऑथर इसमें हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑथर ये था और ये पब्लिश हुआ था 2014 में। तो जब आपके 50-60 फाइल्स एक फोल्डर में होंगी तो आपको ये पता लगाना बहुत आसान होगा कि जीदत नाम से जितने फाइल्स हैं उनमें शायद जीदत पहला ऑथर रहा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर डेटा एज पर योर ओन कन्वेंशन, ठीक है। अपने कन्वेंशन को आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, उस प्लान को लिख भी सकते हैं, इससे हमारा डेटा बहुत ऑर्गेनाइज रहेगा। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखना चाहिए, डेटा क्रिएशन से स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क लोकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम और नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वर्जन नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये फाइल को रखने के, नाम रखने के या उनके प्लानिंग का कुछ हिस्सा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारे पास समय बचा हुआ है और एक हैवी डोज हो गया है, तो मैं बहुत संक्षिप्त रूप से बातचीत करूंगा ई गवर्नेंस पर, ठीक है। अभी तक अगर आपको कुछ सवाल जवाब हो, चूंकि मैंने आपको स्पेस नहीं दिया सवाल के लिए, सो शायद मेरी मिस्टेक रही, मुझे देना चाहिए था, और मेरे दिमाग में कहीं कहीं ये था कि बहुत समय नहीं रहा है और इतना सारा कंटेंट है, हम कैसे इस पर बातचीत करेंगे। सो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको अब समय दे रहा हूँ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने ई कंटेंट डेवलपमेंट पर बात करी, नेमिंग कन्वेंशन पर बात करी और न्यू एज स्किल्स पर बात करी। सो इस पर आपको अगर कुछ आपत्ति हो, कुछ सवाल जवाब करने हो, तो जरूर आप मुझे बता दीजिए,
हम आपके सवालों को लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, जो भी हमारे पास 10-15 मिनट का समय बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी बात साझा कर सकते हैं, और नहीं कहना चाहते हैं तो फिर मुझे कहना है। मुझे कहना है कि मैंने व्हाट्सएप पर आपको एक एमएस वर्ड का फाइल भेजा है, आपने देखा? यस सर। उसमें क्या करना है, समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? सर समझ में तो आ गया, बट ना जैसे उसमें लिखा है कि नेम ऑफ द स्पीकर भी लिखना है, तो ऐसे फुल नेम तो याद नहीं है सबके। कोई बात नहीं, वो तो इसलिए लिखा है कि पता लगेगा ना, सेशन में हो भी नहीं होगा कि मेरा नाम पता है। हाँ आपका पता है, जैसे सेशन में तो है, बट फिर भी कुछ लोगों के नाम थोड़े टफ थे तो वो आपने शेड्यूल शेयर किया है एक्सेल में दिया हुआ है आपने ना? यार ये तो गलती कर दी मैंने शेड्यूल शेयर करके, तो ये तो कान पकड़ने पड़ेंगे मुझे। सब पहले ही शेयर कर दिया था आपने, शेयर किया हुआ है उसी में लिखे सारे नेम। अच्छा मैंने पूरा व्हाट्सएप में ही है ना? उसको डिलीट कैसे करूं मैं, ऐसा बताओ तो, तुम्हारी मशीन से मैं डिलीट कर पाऊं, ऐसा संभव हो सकता है? सर आप डिलीट करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर अब तो मुश्किल अब नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, तो मुझे भरोसा है कि आप सेशन ज्वाइन कर रहे होंगे और मेरे साथ yes, आप मीटिंग नहीं करेंगे। मुझे अपने विद्यार्थियों पर बहुत भरोसा है और मैं आपको एक संभ्रांत नागरिक समझता हूं और कोशिश करता हूं कि आप हमारे समाज को आगे बढ़ाने में और इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने स्किल्स का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, यही सोच करके मुझे पता होने के बावजूद भी मैंने आपको भेजा। और मैं शायद इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि उसमें एक संक्षिप्त रिपोर्ट हमने बनानी है, वो मैंडेटरी है सभी के लिए मैंडेटरी है। जब तक आपकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आएगी तब तक हम आपका इस कोर्स में जो फाइनल असेसमेंट है वो जमा नहीं करेंगे। और उसमें कोई भी आपत्ति अगर लगे, सर मैं क्या करूँ मुझसे नहीं हो रहा है, उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके साथ हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपको परेशानी ना हो, बशर्ते आपको भी ये कोशिश करनी है कि मुझे परेशानी ना हो, आप सारे सेशन मजेदार तरीके से अटेंड करें। आपने इतना पैसा खर्च किया है, अगर आप सोचिए कि आपको इतने दूर दूर से हल्द्वानी आना पड़ता, आपको रहने के लिए होटल चाहिए था, खाने को चाहिए, जब बाहर जाते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं, तो हम चीज़ों को अच्छी तरफ ले जाने की कोशिश करें। मैंने एक बच्चे को फ़ोन करा, उसने मुझे कहा सर मैं तो ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं नौकरी करता हूं। तो मैंने कहा भैया तुम नौकरी करते हो मैं समझ सकता हूं, तो तुमने ये भरा क्यों, ज्वाइन क्यों करा ये क्लास, ये फॉर्म क्यों भरा? अगर मैं ऑफलाइन बुला देता तो इतनी दूर से यहाँ कैसे आते, कैसे रहते इतने दिनों यहाँ, राइट? तो कोशिश कीजिए कि हम अब बढ़िया तरीके से उसको अच्छा बनाएं। ये आप अच्छा सामान बना के भेजेंगे, हम भी उसको लोगों को दिखाते हैं, देखो हमारे बच्चों की ये क्रिएटिविटी है, तो वो मेरा क्रेडिट नहीं है, वो आपका क्रेडिट है। अगर कल के दिनों प्रोजेक्ट मैंने 10 लोगों को शेयर कर दिया तो उसमें तो आपका नाम पता लिखा हुआ है ना, तो किसकी बात पूछी जाएगी, ये इन्होंने ये स्टूडेंट ने जो है इतना बढ़िया क्रिएशन करके भेजा है। सो चूंकि रिपोर्ट राइटिंग का भी सेशन आपके सामने, मुझे लगता है कि हम सेशन शेयर कर चुके हैं, तो कैसे रिपोर्ट लिखी जा सकती है, हमने इस सेशन में क्या क्या सीखा और क्या क्या डिस्कशन हुआ, अपने ऑब्जर्वेशन उसको हम लिख सकते हैं। और हमें हर सेशन में 150 शब्द मैक्सिमम लिखने हैं, 150 शब्द तकरीबन एक पैराग्राफ, तो 150 शब्द आप सॉफ्ट कॉपी में एमएस वर्ड में टाइप कर लीजिए बढ़िया तरीके से, हर सेशन की रिपोर्ट हाथों हाथ बनाते चलिए और उसको फिर मुझे मेल कर दीजिए। तो जब मुझे ये पूरा रिसीव हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि आपका ये कोर्स कंप्लीट हुआ जिसको हम कर रहे हैं अभी, तो फिर आपको अपना जो लिखित वाला पेपर है सिर्फ वही देना रह जाएगा। और इससे आपको ना बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको भी पता लगेगा कि रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है आखिर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ उससे रिलेटेड इश्यूज होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, वर्कशॉप के बाद भी मैं उसमें बने रहूंगा आपके साथ। अब आपने तो हमसे कनेक्शन जोड़ लिया है, तो ये चाहे मैं भी चाहूंगा कि आपसे कनेक्शन हमेशा बना रहे और हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कनेक्शन ब्रेक हो जाए, और एक दूसरे की बातचीत को समझने का प्रयास करना चाहिए। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स ई गवर्नेंस, राइट? ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी by the government to provide and facilitate government services, exchange of information,
कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सर्विसेज। इस एक डेफिनेशन से मुझे लगता है कि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ई गवर्नेंस बेसिकली क्या है। कल मैं किससे चर्चा कर रहा था, बोला सर और तो सब ठीक है ना, ई गवर्नेंस क्या होता है ये मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको, चूंकि हम फोन पे बात कर रहे थे, मैंने उनको बहुत बहुत शॉर्ट उसमें ये बताया। मैंने कहा हमें गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से प्रोवाइड करती है, दैट इज ई गवर्नेंस। हम सरकार की सुविधाओं को जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीजें हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज गवर्नेंस, राइट। सो बड़ा विषय है ई गवर्नेंस, बहुत बड़ा विषय अपने आप में। ई गवर्नेंस बहुत बड़ी चीज है, राइट, बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है ई गवर्नेंस का। लेकिन हम उस सब पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे जिससे हमारा लेना देना है, राइट। हमारा ई गवर्नेंस से आशा यह है कि हम इतने स्किल्ड बने, हम ई गवर्नेंस सर्विसेज को इस्तेमाल करने का सही तरीका सीखें। क्या क्या ऐसे ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं जिनको हमें यूज करना आना चाहिए। जैसे आप लोग अपना बिजली पानी का बिल शायद अब घर से भर लेते होंगे, ये कितनी बेहतरीन सुविधा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। सो फिर आगे बात आती है कि ई गवर्नेंस क्यों फायदेमंद है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। सो एक तो फायदेमंद ये है कि हमें बहुत सारी सर्विसेज ऐसी मिलती हैं जिनसे हमारा समय बचता है। लेकिन इससे अलावा एक और बेहतर चीज ये है कि ई गवर्नेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, की जो सरकार है, जो नीति निर्धारक हैं, वो उनकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उसका जो सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट शुड बी न्यूट्रल। उसको ये पता नहीं कि गोपाल दत्त भी मेरी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है, कि रमेश भी मेरी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है, कि अमिता जी भी मेरी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही है, उनके लिए सब एक जैसे होने चाहिए। दैट इज द बेसिक थीम बिहाइंड दिस ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट। सो आज के समय में मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वाइड ई गवर्नेंस सर्विसेज का बोलबाला बढ़ रहा है और आने वाले समय में शायद ये और बेहतर होगा। तो जितनी हमारी ई गवर्नेंस सर्विसेज स्ट्रांग होंगी, बेहतर होंगी, उतना एक नागरिक की हैसियत से हम सब के लिए वो सुविधाजनक होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का आपने देखा होगा, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। आपने रोड ट्रांसपोर्ट विभाग का आपने देखा होगा, जहाँ पर आप लाइसेंस RTO, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या ऑफिस, व्हाटएवर जो भी कहते हैं, उसके बहुत सारे जो है वर्क प्रोसीजर उन्होंने ऑनलाइन कर दिए। और इनकम टैक्स का ऑनलाइन है, तमाम आधार कार्ड का ऑनलाइन है, पैन कार्ड का ऑनलाइन है। इवन मुझे ध्यान भी शायद नहीं होगा कि अब ऑफलाइन सर्विसेज हैं ही कितनी। वो इसलिए हैं कि बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल करने से कतराते हैं, है ना। बैंकिंग की सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं। सो जब हम ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, हमें ई एजुकेट भी होना पड़ेगा। खाली ई गवर्नेंस से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ई एजुकेशन की भी आवश्यकता है। हम उस तरह की शिक्षा दीक्षा को भी समझें। कल हमने साइबर एजुकेशन पर बात करी थी। जब हम चारों तरफ चीजों को देख रहे हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा रही है, तो हमारी शिक्षा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में जानी चाहिए। हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उनका ट्रबल शूटिंग है, उनका मेंटेनेंस है, उनके साथ एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये सब भी आना चाहिए। सो बात करते हैं कि जो ई गवर्नेंस है उसमें कितने तरह का इंट्रैक्शन हो सकता है, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंट्रैक्शन। जब जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, उसको हम G2G इंट्रैक्शन कहते हैं। जब गवर्नमेंट की सर्विसेज सिटीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी स्कीम्स का, उसकी सर्विसेज का, उसको हम G2C कहते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया है, आधार बताया है, पासपोर्ट बताया है। ये जो सर्विसेज हैं ई गवर्नेंस की, ये क्या है, ये G2C है, गवर्नमेंट की सर्विसेज है, लेकिन सीधे इस्तेमाल कौन कर रहा है, सिटीजन कर रहा है, बिना थर्ड मीडिएटर के। मीडिएटर नहीं है कोई इस पे, राइट। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर बिजनेस एंटिटीज सीधे गवर्नमेंट से बात करती हैं। जैसे मैंने टैक्स का बताया, टैक्स पेमेंट, सेल टैक्स है, आप तो सेल टैक्स की, आप तो GST है। तो जो भी विभाग उस श्रेणी में आता है, सर्विसेज और गुड्स को जो सेल
करता है उसका जो भी रुपया पैसा है जो टैक्स जिसको हम कहते हैं वो सीधे गवर्नमेंट को जाता है। इसका मतलब बिजनेस एंटिटी डायरेक्ट गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रही है और गवर्नमेंट डायरेक्ट बिजनेस एंटिटी से कम्युनिकेट कर रहा है, मीडिएटर गायब हो गए, राइट, दैट इज कॉल्ड जी टू बी। थर्ड वन इज गवर्नमेंट टू इम्प्लॉई। कहीं कहीं पर जो गवर्नमेंट है वो अपने इम्प्लॉयज को सीधे कम्युनिकेट करती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा पेंशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यू नो क्या कहते हैं इसको, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, ठीक है। सो गवर्नमेंट अपने इम्प्लॉयज को जो पैसा दे रही है या जो फंड दे रही है वो सीधे इम्प्लॉयज से कम्युनिकेट कर रही है। तो बेसिकली ये फोर जो मॉडल है क्या क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू इम्प्लॉय, ये चार पॉपुलर कम्युनिकेशन मॉडल या इंट्रेक्शन कहे जा सकते हैं किसमें, ई गवर्नेंस में। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं ई गवर्नेंस स्कीम के अंदर, हमने कुछ संक्षिप्त रूप से मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जिसमें उमंग है, एक उमंग एक ऐसा ऐप है जिसमें बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप लोग में से मुझे लगता है बहुत सारे इसको यूज करते भी होंगे, अगर नहीं करते हैं आप प्ले स्टोर से जाकर के उमंग डाउनलोड भी कर सकते हैं और तमाम तरह की जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं आपको एक साथ एक ही ऐप पर अवेलेबल होंगे, ठीक। दूसरा है डिजी लॉकर है, आपने सुना होगा डिजी लॉकर के बारे में, ये भी एक सर्विस है। क्या है इसमें, जो आपके नो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डिजी लॉकर पर, डिजिटल लॉकर इसका बेसिकली नाम है, वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है ना, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इसका ऐप भी है और इसका वेब के माध्यम से भी आप इसमें लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने जरूर किया होगा, जिसने नहीं किया है वो आज कोशिश करें आप डिजी लॉकर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको बनाने का प्रयास करें, उसको अकाउंट बनाने का प्रयास करें। मुझे लगता है हम अगले सेशन में या अगले वर्कशॉप में, शायद इस सेशन में तो मेरे ख्याल से मुझे ध्यान नहीं है करके, हमने डिजी लॉकर का एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी रखा हुआ है, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, आपने देखा होगा पहले से ऐसा होता था कि सरकार बहुत सारे डेवलपमेंट के गांव में इधर उधर तमाम जगहों पर काम कराती है और कई बार ऐसा सुनने में आता था कि कुछ काम कागजों में अप्रूव हो गए लेकिन जैसे कहीं दीवार बननी थी, कहीं नहर बननी थी, वो कागजों में लोगों ने इतना भ्रष्टाचार करा कि वो अप्रूव हो गया, उसका बिल भी पेमेंट हो गया, सब लोग मिले रहे नीचे से ऊपर तक और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर वो काम हुआ ही नहीं। सो इसका भी उन्होंने तोड़ निकाला, उन्होंने कहा जहाँ आपने वो परफॉर्म किया है उसका जियो लोकेशन एक्चुअल हमें भेजिए, हमें तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पर इस तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सो ये भी मॉनिटरिंग का एक माध्यम है, रैपिड असेसमेंट सिस्टम RAS इसको हम कह सकते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS कहते हैं, ठीक है। ओपन फोर्स एक प्लेटफॉर्म है और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसका एक अपना बना हुआ है जिसपे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहा था। ये कुछ मुख्य मुख्य सर्विसेज के मैंने शायद कुछ नाम लिखे थे और उसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि उमंग में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। उमंग का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आज के समय में जो जो सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं कुछ हमने मेंशन कर रखी है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, कुछ स्टेट की हैं, कुछ यूटिलिटीज बिल्स हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ये 13 लैंग्वेजेस पर बना हुआ है, अभी अवेलेबल है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर अवेलेबल, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स इसमें किए जा सकते हैं, कुछ एक समरी तरह का बताना चाह रहा है उमंग के बारे में और उमंग का कुछ स्टैटिस्टिक्स भी मेरे ख्याल से साझा कर रहा है कि कितने ये है। 7 नवंबर 2021 का मेरे पास कुछ पुराना स्टैटिक्स पड़ा हुआ है कि कितने यूजर रजिस्ट्रेशन है, 3.838 करोड़ रजिस्ट्रेशन है इस पे, यूजर रजिस्टर है और डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन समथिंग कुछ करोड़ में दिखा रहा है नंबर ऑफ करोड़ ट्रांजेक्शन इसमें हुए हैं। सो ये कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जो उमंग को लोग कंट्री वाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिजी लॉकर की मैंने बात करी थी, डिजी लॉकर में बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, सो उससे हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने की बाध्यता नहीं रहेगी, ठीक है। डिजी लॉकर के बाद मैंने आपको अभी बात करी थी सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स की, हम अपनी GIS लोकेशन को किस तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और एजेंसी
अक्रॉस द कंट्री इस चीज को जो है इस डेटा सेट को स्टोर कर रहे हैं और इससे बहुत सारी चीजों का हमें अंदाज लग पा रहा है, बहुत सारी चीजें जो है कंट्रोल में है, मॉनिटर की जा रही हैं। और फिर क्या बात कर रहे थे हम, इसके अलावा हमारी बातचीत थी रिपीट असेसमेंट सिस्टम की, है ना, क्या क्या है रिपीट असेसमेंट सिस्टम यूज फॉर ऑनलाइन इंस्टेंट फीडबैक। ठीक है, बहुत जगह पर गवर्नमेंट आपसे असेस करवाती है कि आपने क्या क्या ऐसा सच में हुआ था, गवर्नमेंट को हमारी तरफ से या सिटीजन की तरफ से या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से क्विक जो फीडबैक जाते हैं और उस फीडबैक को वो इनकॉर्पोरेट करते हैं फर्दर प्लानिंग और यू नो पॉलिसी डेवलपमेंट पर, तो उसका भी एक बड़ा फायदा हमें मिलता है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट चला रही है। PIMS की हमने बात करी थी, है ना, PMIS सॉरी प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड टूल है जो मॉनिटर करता है ना फिजिकल फाइनेंशियल और जो हमारे आउटकम्स हैं उनका तय करता है। स्पेशली जो PMIS है वो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको मॉनिटर करने के लिए तैयार किया गया एक यूनिट है। ठीक है, ओपन फोर्ज मैंने बताया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी तक शायद वर्ल्ड में एक अनोखा प्रयास है जहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्स कोड है जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उस सोर्स कोड को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सो उससे बहुत फायदा हमें मिलता है, कोड रीयूज होता है, लिखा ना सोर्स कोड ओपन पॉलिसी। सो इस तरीके का जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो हमें लगता है कि एक अनोखा प्रयास है और जिसकी बदौलत इसमें लिखा भी है शायद मैंने कहीं मेंशन किया था इन 2015 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोल्ड आउट द पॉलिसी ऑन कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, किसके लिए किया था इन्होंने कि हम अपना जो सोर्स कोड है उसको गवर्नमेंट एप्लीकेशन के साथ साझा कर सकते हैं, अदरवाइज एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इस तरह की जो है कोड साझा पहले नहीं करते थे, उसको रीमिक्स कर सकता है, अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है, तो उससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है। सो ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी मैं चर्चा पहले भी थोड़ा सा कर चुका था कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके माध्यम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का ट्रैकिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज को यू नो फर्दर के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए या अगले सोपान के लिए भी उनको तैयार करना होता है, इसके लिए उनकी ट्रेनिंग और जो है असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। सो ये कुछ कुछ मुख्य स्कीम्स जो ई गवर्नेंस की थी वो मैंने आपके साथ साझा करी और अंत में आप सबको धन्यवाद।